हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कि आप लोगों को सिखाने वाले हैं पांच ऐसे सेटिंग जो कि यूट्यूब का आप लोगों को कर ही लेना चाहिए। यदि आप लोग स्टार्टिंग टाइम में चैनल को क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपको समझ भी नहीं आता क्या सेटिंग को अलाउ करें या फिर उसको हम डिसेबल करें, तो आई नो कि आप लोग सही से वहां पर नहीं करते होंगे। या फिर आपका यहां पर जब वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट करते होंगे तो वहां पर आपका व्यूज या फिर वहां पर आप कह सकते हैं कि आपका सब्सक्राइबर नहीं आता होगा। तो क्यों नहीं आता है, तो सारा चीज़ जो कि आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। यदि आप लोग पांच सेटिंग जो कि आप लोग कर लेंगे तो आपका चैनल जो कि परफेक्ट से काम करेगा। यदि कोई भी वीडियो को अपलोड करना रहता है तो क्या होता है कि बेसिकली हम अपलोड तो कर देते हैं, लेकिन उसको कैसे सेटिंग को मैनेज करना चाहिए, कैसे सेटिंग को करना चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो कि आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर चले आना है, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर गूगल क्रोम के ऊपर। यदि आप लोग मोबाइल के स्क्रीन पर होंगे तो सबसे पहले आपको जाना जो कि गूगल क्रोम के ऑप्शन के ऊपर। उसके बाद वहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइज जो कि वहाँ पर यूट्यूब आपको ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर फाइनली गाइस यहाँ पर ओपन कर लिया, तो पांच ऐसे सेटिंग जो कि आप लोगों को बताएंगे जो कि आप लोग को हर एक क्रिएटर को जो कि यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर फाइनली गाइस यहाँ पर देख रहे हैं जो कि सेटिंग के ऑप्शन पर चले गए हैं। तो सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर चैनल देख सकते हैं, और जो मेरा वाईटी स्टूडियो यहाँ पर ओपन कर लिए हैं। तो फाइनली गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा वाईटी स्टूडियो जो कि यहाँ पर ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जो कि आपको नीचे आना है, नीचे की ओर आपको आना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बारीकी से जो कि आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर जनरल, चैनल, अपलोड डिफॉल्ट्स, परमिशन, कम्युनिटी, तो सारा चीज़ जो कि आपको एक एक जो कि आप लोगों को बताने का प्रयास बेसिकली गाइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि आपका जनरल। तो यहाँ पर आपका जो भी पैसा यहाँ पर आता है जो कि यहाँ पर डॉलर बेस में जो कि आपका पैसा आता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो यहाँ पर चैनल का ऑप्शन दिया गया है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको यहाँ पर दे देना है, जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर कंट्री ऑफ दे देना कि आप किस कंट्री से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इंडिया हम बिलोंग करते हैं। जो मिलने का है यहाँ पर कीबोर्ड्स के ऑप्शन पर आपको देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका कोई भी चैनल को आपका सर्च करता है तो आपका कीबोर्ड से ही सर्च होता है। तो जैसे कि गाइस यहाँ पर दिए हैं जो कि अमित दे टाइटेनियम, अमित दे ब्लॉग्स, अमित दे और यूट्यूबर, इस तरह से जो कि आपको भी अपना जो कि यहाँ पर कीबोर्ड्स लगाना है तो बहुत ही आपका एक काम का चीज़। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर आना है जो कि यहाँ पर एडवांस सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपका ऑडियंस है, जो कि आपका ऑडियंस जो कि यहाँ पर 19 साल का नीचे देखते हैं या फिर आपका बच्चा देखते हैं, तो सारा चीज़ यहाँ पर जो कि यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है गाइस कि यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर मेड फॉर किड्स यहाँ पर दिया गया है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पर आपको नो करना है, यहाँ पर आई वांट टू रिव्यू यहाँ पर नहीं करना है, जो कि यहाँ पर आपको करना है जो कि यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है। तो स्क्रॉल करते हुए जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक कैप्शन का ऑप्शन दिया गया है। तो ऑटोमेटिक कैप्शन बेसिकली क्या होता है कि आप आदि लगाइएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो अगला वीडियो होता है तो उस तरह से जो कि आपको यहाँ पर कैप्शन यहाँ पर चलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट, यदि आपका वीडियो के ऊपर यदि आपका सब्सक्राइबर बेस है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका सब्सक्राइबर देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पर आप डिसेबल करते हैं तो आपका सब्सक्राइबर वहाँ पर शो नहीं करेगा, जो आपका सब्सक्राइबर जो कि होगा जो कि वहाँ पर हाइड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डिसेबल इंटरेस्टेड वेस्ट द एड्स का ऑप्शन दिया गया है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना तो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिप्स का ऑप्शन दिया गया है। बेसिकली आप क्लिप्स क्या होता है कि जैसे कि कोई भी वीडियो होता है आपका, कोई भी वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहाँ पर पसंद पड़ता है, तो बेसिकली आप यहाँ पर क्लिप्स के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्लिप को काट कर दूसरा को यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर फीचर एलिजिबिलिटी के ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फीचर्ड यहाँ पर सारे चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सब तो आपको इनेबल ही करना चाहिए जो कि ऑलरेडी इनेबल हम कर लिए हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट्स के ऑप्शन के ऊपर जाना है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपका डिस्क्रिप्शन होगा जो कि यहाँ पर आपको दे देना है। तो यहाँ पर फाइनली गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया जो कि माई ब्लॉग चैनल जो कि मेरा ऑलरेडी मेरा सेकेंड चैनल है जो कि मेरा ब्लॉग का है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या किए हैं, इसका लिंक हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका विजिबिलिटी होगा जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होता है कि यहाँ पर अपलोड डिफॉल्ट्स कर दीजिएगा
तो आपका कभी भी वीडियो अपलोड होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपका वीडियो डायरेक्ट यहाँ पर पब्लिश नहीं होता है, तो आपका जो वीडियो होगा जो कि यहाँ पर प्राइवेट में चल जाएगा या फिर आप यहाँ पर कर सकते हैं जो कि यहाँ पर अनलिस्टेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को यहाँ पर अनलिस्टेड कर देना है ताकि आपका कोई भी वीडियो हो जो कि यहाँ पर डायरेक्टली बेस में जो कि आपका पब्लिश ना हो। क्या होता है बेसिकली, आपको कोई भी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम या फिर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आता है तो यहाँ पर आप बेसिकली यहाँ पर इसको हटा सकते हैं, लेकिन आप यदि यहाँ पर पब्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर टैग का ऑप्शन दिया गया है, तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी हम टैग लगा दिए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर वीडियो को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट जो होता है टैग जो कि यहाँ पर कैप्शन यहाँ पर कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा लाइसेंस है जो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है। यहाँ पर आपको क्रिएटिव नहीं करना है। क्रिएटिव क्या होता है कि यहाँ पर आपका यदि क्रिएटिव करते हैं तो आपका वीडियो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर किसी को यहाँ पर कॉपीराइट के लिए फिर स्ट्राइक नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्रिएटर हैं तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस करना है। उसके बाद यहाँ पर वीडियो लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो आपका अधिक कोई भी चीज़ आप बोलिएगा तो आपका वीडियो प्रॉपर शो करेगा, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कमेंट जो कि यहाँ पर अलाउ कर देना है जो कि आपका ऑटोमेटिक ही अपलोड डिफॉल्ट होगा जो कि यहाँ पर कमेंट अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर शो हाउ मैनी व्यूवर्स इन दिस लाइक, तो यहाँ पर आपको व्यूवर्स को यहाँ पर लाइक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर सेव करना है, तो फाइनल गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार जो कि यहाँ पर सेटिंग कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर जाना है, उसके बाद यहाँ पर परमिशन के ऑप्शन के ऊपर जाना है। तो आपका परमिशन के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा चैनल है जो कि चैनल का ओनर मैं हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी के ऑप्शन के ऊपर देखने को मिलेगा, तो कुछ इस प्रकार जो कि यहाँ पर करना, जो भी चीज़ यहाँ पर दिया गया जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया जो कि आपको यहाँ पर छेड़खानी नहीं करना है। डिफॉल्ट्स के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद जो यहाँ पर डिफॉल्ट्स आप जो किए जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली गाइस ये था जो कि 5 सेटिंग जो कि आप लोगों को बता दिए जो कि बहुत ही आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि कुछ वीडियो से सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।